व्यक्ति के जीवन में ये जो प्रेरणाएं शक्ति देती हैं ये बहुत बड़ा काम करती है। आगे बढ़ने की आग जलती रहे और माली सींचे ना सींचे, जिसके अंदर जीवन जीने की शक्ति प्रबल होती है और रेत में भी उगता है, पत्थरों के अंदर भी अंकुरित हुआ करता है। जीवन शक्ति को प्रबल करना बहुत जरूरी है। अंधेरी रात के अंदर ही सितारे ज्यादा चमकते हैं। किसी के जीवन में अगर अंधेरा बहुत है तो चमकने का अवसर भी बहुत है, पर हिम्मत होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कहते हुए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि ये जो आप लोग देखते हैं ना कि जब पहाड़ों से नदी नीचे उतरती है तो वहाँ नदी को देखने का आनंद ही अलग है, क्योंकि पत्थरों से टकराती हुई नदी नीचे की तरफ आती है तो उस समय उसका यौवन दिखाई देता है, नदी के अंदर एक जोश दिखाई देता है। लेकिन जैसे वो मैदान में आ जाती है नदी, तो फिर नदी का वो सौंदर्य नहीं रहता, वो कलकल छलछल वाली आवाज़ नहीं आती। जितना जितना जीवन में संघर्ष होता है और जितना उसे विपरीत स्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की के अवसर आते हैं, उतना ही उसके अंदर निखार आया करता है। ऐसे ही जीवन में अगर आपके कहीं भी कोई संघर्ष है तो घबराओ नहीं, वो आपको और निखारने के लिए, आपके अंदर और सुंदरता लाने के लिए। और अगर इसको आप दुख मानकर रोना रोते रहें कि नहीं ये तो मेरे जीवन के लिए बड़ा ही दुखद है, मैं अब कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे सामने ही मुसीबतें ज़्यादा आती हैं और पता नहीं मुसीबतों के मेरा ही नाम पता क्यों मालूम है, दूसरे के पास नहीं जाते, सबके हिस्से की मेरी तरफ आ जाती हैं, ऐसा कभी नहीं सोचो। जितनी जो परीक्षाएं देता है ना उतनी डिग्रियां ज्यादा मिलती हैं, तो ये परीक्षाएं आपको डिग्रियां देती हैं, बहुत कुछ बनाती हैं। तो सदगुरु कहता है कुशलान न प्रमदितव्यम, शुभ कार्यों के लिए भी कभी चूकना नहीं। और अगले शब्द देखने में सामान्य है लेकिन है अद्भुत, मातृदेव भव पितृदेव भव। माँ को देव समझना, अपने पिता को भी देवता मानना। आचार्यो देव भव, आचार्य भी सदगुरु भी देव है देवता है, उनका सत्कार करना। पुराने आचार्य ने जितने जितने उपदेश दिए उन सब उपदेशों में बड़े ही मार्मिक संदेश थे। दृष्टिपूतम नेस्तपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, देख देख कर पांव रखना। जहाँ भी चल रहे हो जहाँ भी जा रहे हो तुम्हारा चलना बहुत देख देख के हो, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, किन से बात करनी किन से बात नहीं करनी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन तुम्हारे योग्य हैं कौन नहीं। यहाँ तो कह दिया कि जल भी पीना है तो छान के पीना। सत्य पूतम वदेत वाच्यम वाणीम, वाणी को भी जब तक सत्य के द्वारा पवित्र ना कर लो, मतलब मजाक मजाक में भी गलत ना कहो, मजाक में भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करो, मजाक में भी अपने आचरण से और अपनी ऊंचाई से नीचे नहीं गिरो। जिस वाणी में सरस्वती माता को बैठाया है, जिस वाणी में परमेश्वर का नाम बैठाया है, जिस वाणी पर आप अपने इष्ट देव को विराजमान करते हैं, उस वाणी को कभी गंदा मत करो। जिस आसन पर भगवान को बैठना है वो आसन गंदा कभी नहीं होना चाहिए, आपकी वाणी भी एक आसन है। मनः पूतम समाचरेत, मन को पवित्र करके ही संसार में व्यवहार पूरे करने चाहिए।
मतलब मन अगर पवित्र नहीं है तो फिर आपके मन में उठने वाले विचार भी पवित्र नहीं होंगे। गंदे संदे विचार व्यक्ति के मन में उठते रहें तो विचार ही व्यक्ति की आदतों की तरफ जाते हैं। प्रयोग में आने वाले जितने भी हमारे आचरण की जो भी स्थितियां हैं वो हमारे विचारों के माध्यम से ही सामने आते हैं। मतलब विचार के अनुसार ही आचार है और आचार के अनुसार ही व्यवहार है। मन गंदा हो गया तो इसका मतलब है कि मन के अनुसार फिर हमारे कर्म भी गंदे होंगे जरूर। आज मजाक मजाक में कोई गंदी संदी मजाकें कर रहे हैं, कल हो सकता है मन उसी को पकड़कर और इतना गलत हो जाए कि कल्पना भी ना कर सको, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो ऋषि ये कहते हैं कि धर्म तुम्हारे जीवन में रह सके इसलिए जरूरी है कि हर समय सावधान रहो। और फिर कहा कि धर्म की शक्तियाँ 12 हैं और फिर उन शक्तियों के की संतानें भी हैं, इनका एक विशाल परिवार है। ये विशाल परिवार किसी धार्मिक व्यक्ति के हृदय में इसी तरह से रहता है कि जैसे एक बहुत विशाल परिवार सामूहिक रूप से खुशियों से आनंद से कहीं रहता हो बसता हो, कि ऐसे ही अगर ये रहें तो फिर इनका हर रोज उत्सव होता है। तो धर्म की शक्तियाँ क्या हैं? धर्म की शक्ति है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर मेधा, तितिक्षा हरि, मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। ये शक्तियां हैं धर्म की, इन शक्तियों की संतानें हैं फिर। लेकिन सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि धर्म की शक्ति एक है श्रद्धा। देव, द्विज, तीर्थ, शास्त्र, मंत्र, औषध, कोई भी विधि, इनमें जितनी जितनी आपकी गहरी निष्ठा होगी सफलता भी उतनी ही अधिक होगी। और अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान भी आकर चले जाएं तो व्यक्ति के जीवन में कोई चमत्कार नहीं घटने वाला। सामने अगर श्रद्धा की दृष्टि लेकर के कोई देखे, कहते हैं ना कि जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में गए तो उन्होंने स्वर्ग के द्वार पर खड़े होते ही दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनी और सुनते ही द्वारपाल से बोले कि ये रोने वाले मुझे कुछ परिचित लगते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं उनको देख कर आऊँ। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहें चले जाएं, लेकिन ये नरक से आवाज़ आ रही है और नरक में रोने वाले व्यक्ति की जो आवाज़ आ रही वो कोई और नहीं दुर्योधन है। तो धर्मराज वहाँ गए, जैसे गए तो दुर्योधन आग में चिल्ला रहा है और धर्मराज के अंदर से ठंडी हवाएं इस तरह से बाहर आ रही हैं जैसे कोई बर्फ कहीं रखा हुआ हो, बर्फ का कोई बहुत बड़ा, जैसे आप देखते हैं ना गर्मियों के दिनों में ब्याह शादियों में लोग बर्फ की शिलाएं रख देते हैं, तो वहाँ पास में खड़े होकर आप देखें तो जैसे पास खड़े होंगे तो उसकी लहरें सी उठ रही होती हैं, हवा में मिल रही होती हैं। ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर से ठंडी लहरें निकलकर और जैसे नरक की तरफ जाने लगी तो जैसे ही वो जाकर दुर्योधन के शरीर को छूने लगे तो उससे थोड़ी ठंडक मिलने लगी, ऐसा जैसे जले हुए फपोले पड़े हुए हों और उसके ऊपर कोई अच्छी दवा लगा दे और उसमें ठंडक मिल रही हो।
तो दुर्योधन कहता है, बड़े भैया आपके शरीर से आते भी ये जो ठंडी लहरें हैं इससे मुझे इसी तरह से शांति मिल रही है जैसे किसी जले हुए व्यक्ति के फफोलों के ऊपर कोई बहुत अच्छा लेप लगा दे। ये तुम्हारे अंदर से ऐसी चीज क्या निकल रही है और ये मुझे ठंडक क्यों पहुंचा रही है, मुझे सुख क्यों दे रही है? तो द्वारपाल ने कहा, दुर्योधन जानते हो, तुम्हें जो जला रही है चीज वो तुम्हारे पाप जला रहे हैं और इनके अंदर से जो ठंडक आ रही है इनका धर्म है, इनके जो पुण्य हैं वही ठंडक दे रहे हैं। दुर्योधन गुस्से में आके कहता, मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं समझा, नहीं तो मैं यही ना कर लेता जो ये कर रहे थे। दुनिया में जो इन्होंने कमाया वही मैं भी कमा लेता, मैं तो गलत तरफ था। द्वारपाल कहता है कि तुम्हें समझाने के लिए तो भगवान भी स्वयं आए थे लेकिन तुम्हारे हृदय में श्रद्धा ही नहीं थी इसलिए तुम अपने जीवन में धर्म ला ही नहीं पाए।